सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। इसके लिए हमने बुकरम ली है, उसकी लंबाई है 11.5, चौड़ाई है वो 9.5 है। अब हम इसको डबल करेंगे। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे, वो 2.5 इंच की लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसके अंदर का जो पैटर्न देंगे वो 6 इंच की लंबाई रखेंगे और इसमें हमें शेप इस तरीके से देंगे। अब इसके लिए हमें एक चौकुटा कपड़ा चाहिए। यहाँ पे हम एक सुई लगाएंगे और इसके ऊपर आप सिलाई लगाएंगे। अब हम एक कपड़े को दबा के सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको डबल करके यहाँ पे बीच में निशान लगा देंगे कैंची का। इसी तरीके से हमें पीछे के पल्लव पे भी निशान लगाना है बीच में। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे। अब हमें बुकरम के नीचे सिलाई लगानी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसको अंदर के साथ दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के बीच में हमें धागे को दबा के अब हम इसके अंदर का पैटर्न तैयार करेंगे। इसके लिए हमें एक चौकुटा कपड़ा चाहिए और इस पर सिलाई लगाएंगे।
अब हम गोल्डन कपड़े को नीचे रखेंगे और ये बुकरम वाला ऊपर। अब हम इसके बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। यहाँ पे हम पहले सिलाई लगा लें। अब हम एक डोरी बनाएंगे। डोरी की पाइपिंग हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हम यहाँ से डोरी को लगाएंगे। अब हम इसके अंदर का पैटर्न तैयार करेंगे। पहले हम अस्तर पर रख के सिलाई लगाएंगे। अब हम डोरी को यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इसको यहाँ के बीच में फिट कर देंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ से बीच में निशान लगा लेंगे। इसमें भी बीच में निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे कच्ची करेंगे। कच्ची करने के बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब हम ये कच्ची सिलाई को हटा देंगे। यहाँ पे आप कोई बटन या कोई फूल भी लगा सकते हैं, जिससे हमारी डिजाइन और सुंदर लगेगी। ये बन गई हमारे ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।